जय माता दी। कैसन बानी रउआ सबे? और उम्मीद करतनी रउआ लोग ठीक होके। तो आज हमरा घरे बारात हमार ननद के, आ देखी हमनी के दोनों देवरानी जेठानी एकदम टिप टॉप होके रेडी हो गए बनी से। और यहाँ देखी बारात के इंतजार होताटे, टेंट समियाना गिर चुकल बा, स्टेज सज गई बटे और अब बारात आवे के इंतजार हो रहा बटे। फाइनली रउआ लोग देख सकतनी बारात आ गई बटे और घर द्वार एकदम दुल्हन के जैसन सज गई बा। दूल्हे राजा आ चुकल बानी और यहाँ पर हो तटे द्वार पूजा, काहे कि हमने की यहाँ बारात जब आवेला द्वार पर तो सबसे पहले द्वार पूजा होला। आ ओकरा बाद यहाँ कनियो आ गई, कनिया के लेके हमने के दोनों देवरानी जेठानी और चारों तरफ से चार भाई। और यहाँ देखी दूल्हे राजा दुल्हन के इंतजार में खड़ा बारन और आवते फटाक से ना हाथ पकड़ के और ऊपर चढ़ा लेलन, काहे कि उनका बहुत जल्दीबाजी रहे ब्याह करे के, देख सकतनी लोगिन। और फटाफट हाथ पकड़ के ऊपर गईली दुल्हन और पीछे पीछे हमनियों के गईनी सर। तो आज भाई दुल्हा दुल्हन के सामने कुछ और होती, जयमाला के बहुत शुरुआत हो चुकल बा। दूल्हे राजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बरन डाले खातिर माला, लेकिन हम इसके थोड़ा सा उनका साथ हंसी मजाक कर देंगे। तो दूल्हे राजा काफ़ी खूबसूरत रहलन और हमार दुल्हन भी कोनो कम ना रही। यहाँ देख सकते हैं जयमाला के विधि पूरा हो चुकल बा और ओकरा बाद दूल्हे राजा के दुल्हन आरती उतरत रही और मिठाई भी खिया दिली। तो दुल्हन को मिठाई खिया दिली तो दूल्हे राजा फटाक से मुँह बाग के और मिठाई गप से खा गए, लागत रहे कि 10 दिन के भूख हासिल बारे। और यहाँ देखी दूल्हा दुल्हन बैठ गए और एक बाद बारी बटे साली लोग के आरती उतारे। साली लोग के साथ दूल्हा जी कुछ नुक झुक कैलन, मिठाई जल्दी ना खात रहस, काहे कि पहले ही से सतर्क रहस कि भाई साली हलो कुछ भी कर सकत हलो। तो ई देखी बात उहे भई आ दूल्हे राजा बड़ा सतर्क रहलन, काहे कि उनका डर रहे कि का ई मिठाइया दी आ कि ना दी। तो देखत रहे बोलोगे कि का कैलन मिठाई के साथ, बुझत रहलन कि मिठाइया खातिर मुहुआ खोलें तो पता ना मुहुआ में डाली कि का करी। बात उहे भई दूल्हे राजा फटाक से साली जी के हाथ पकड़लन और मिठाई छीन के हाथ खा गेलन। तो जयमाला के बाद इमली घोटावे वाला कार्यक्रम भई, माँ इमली घोटेली, मामा इमली घोटावेलन। और यहाँ बरनेत की तैयारी होता है, यानी निरीक्षण के गहना जब जब ससुराल पार्टी से गहना कपड़ा आवेला उ चढ़ेला उ भसुर जी चढ़ावनी। तब भसुर जी मंडप में आ चुकल बनी और इंकरा घुसे खातिर देखी पहरा लागल बा साली लोग के। तो साली लोग जब तक मेघ ना ली तब तक इंगरा के मारों में एंट्री ना करे दी। तो यहाँ पर देखी नेक खातिर नोक झोंक चल रहा बा साली लोग से और देखी लोग इनकी एक जीत होता। बरनेत के तुरंत बाद दूल्हा आ गेलन अंगना में, काहे कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकल रहे और फटाफट से सारा कार्यक्रम चलत रहे। तो यहाँ देखी दूल्हा आयल बड़न अंगना में आ लोढ़ा से इंकरा के परिछल जाता। तो हम थोड़ा थोड़ा ही सब क्लिप जोड़ले बनी, तो हम अपने लगा दिले बनी कि हम कैसे इंकरा के परिछले रहनी। रहस हमार नंदुई यानी हमारा ननद जी के
होखे वाला हस्बैंड, काहे कि अभी तक शादी भइल नइखे, शादी के चल रहल बा। यहाँ हमरा साथे इंट्रोडक्शन भइल, काहे कि दूल्हा जी पहले से हमरा के पहचानत रहलन और बतावे लगलन कि भाभी हम रउआ के जानतनी, हमरा एक वीडियो देखले बानी। बड़ा अच्छा लागल सुन करके, बहुत सारा लोग ऐसा आयल रहे जो हमरा के पहचानत रहे। ओकरा बाद यहाँ देखिए शादी खातिर दूल्हा मंडप में आ चुकल बड़न, दुल्हन भी आ गई भी। तो यहाँ हो रहा बा कन्यादान, और दुर्भाग्यवश हम मतलब हमार ननद जी के पापा नहीं थी, तो उनको मामा मामी कन्यादान को लग लूँ। और ओकरा बाद यहाँ होता लावा मेरावल जला, लावा मेरावे के कार्यक्रम होता। कैसे मेरावल जला रहुआ लोग देख सकते नहीं, तो हमार ननद सबसे बड़ है और उनका से छोट दूगो भाई बलो, तो यहाँ भाई जिन लावा मेरा होता रहा। और हम जानबूझ करके नेचुरल मतलब आवाज़ छोड़ दिले बनी, ताकि रउआ लोग विवाह गीत के भी आनंद ले सकें। पर भी जाओ, किंतु जब मैं परदेश में रहूं तो अग्नि। सब चीज के बाद में सात गो वचन भइल। पंडित जी अच्छा तरह से सात वचन दूल्हा के दुल्हन के समझेलन, दूल्हा बहुत अच्छा तरह से कान लगा के सुनते रहलन। और ओकरा बाद सिंदूर दान भइल, और सिंदूर दान के बाद सात गो फेरा भइल, जौना में दूल्हा कबो दूल्हा आगे कबो दुल्हन आगे चललक लो, और एक दूसरा के बंधन में बंधे के एक दूसरा से वादा कैलक लो। और ओकरा बाद शादी सम्पन्न भइल। तो यहाँ देख सकत हन रउआ लोग, तो देखी लोग शादी सम्पन्न हो चुकल बा, दुल्हन के मांग में सिंदूर पड़ चुकल बा। ओकरा बाद बारी बारी से सब औरत लोग दुल्हन के मांग बहुरलक, और ओकरा बाद सुबह हो चुकल रहे। सुबह भइला के बाद दुल्हन से माड़ो टिकवावल गइल, और अब हो गइल बा विदाई के बेला। और विदाई वाला वीडियो हम ना बनैनी, काहे कि काफ़ी मतलब उघड़ी के समय बहुत ही ज़्यादा ई रहे, काहे कि रउआ लोग समझ सक।